हरे भरे पेड़ पौधों के बीच हमारा किस्सा एक शांत से गांव का है, जहां जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती थी। एक खिली खिली धूप वाली दोपहर, एक शरारती हवा मानो किसी नए मेहमान के आने की खबर सुना रही थी। एक नटखट मेहमान जो जल्द ही उनकी शांत दुनिया उलट पुलट करने वाला था। एक ऊंचे से आम के पेड़ की डाल पर दो चमकदार नटखट आंखें गांव वालों को देख रही थी। यह एक बंदर था, लेकिन कोई आम बंदर नहीं। इसकी आंखों में शरारत झलकती थी और इसके आसपास मस्ती और उत्पात का माहौल था। एक झटके से छलांग लगाते हुए और अपनी लंबी पूंछ को हिलाते हुए वह गांव में उतर आया, जैसे पूरा गांव रंगीन बनाने या शायद केले के छिलके के रंग में रंगने को तैयार हो। उसका आना किसी से छुपा नहीं था। खेल रहे बच्चों का एक झुंड जो स्टापू खेल रहे थे, हैरानी से देखते रह गए जब उस नटखट बंदर ने एक झूलती हुई डाल से छलांग लगाई और उनके खेल के बीचों बीच आ गिरा। इस नए मेहमान की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव का जीवन प्रकृति की धुन पर निर्भर था और गांव वाले अपनी मेहनत के फल पर गर्व करते थे, खास तौर पर रसीले आमों पर जो बहुतायत में उगते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके इन मीठे खजानों पर उस शरारती बंदर की नजर है। एक दिन जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचा और गांव वाले दोपहर की झपकी के लिए अपने घरों में चले गए, शरारती बंदर ने फैसला किया कि अब उसके बड़े कारनामे का समय आ गया है। वह बंदर एक कुशल नट की तरह पेड़ से पेड़ पर झूलता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। उसकी नजर बस उस पर टिकी हुई थी। बंदर चुपके से एक बरामदे में पहुंच गया जहां आमों की एक बड़ी टोकरी रखी हुई थी, जिसका कोई ध्यान नहीं रख रहा था। बंदर के मुंह में पानी आ गया और उसने जल्दी से एक मोटा आम उठाया और बड़ा सा काट लिया। लेकिन उसकी ये दावत अचानक आती हुई पदचाप की आवाज से भंग हो गई। बंदर की शरारतों की खबर, खास तौर पे पके आमों के लिए उसकी चाहत, जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव वाले जो शुरुआत में उसकी शरारतों पर हंसते थे, अब सतर्क हो गए थे। एक दोपहर गांव के मुखिया, जो अपनी बुद्धिमानी और अपनी नाक पर चढ़े हुए चश्मे के लिए जाने जाते थे, एक बरगद के पेड़ की छांव तले शांति से किताब पढ़ रहे थे। वह अभी अभी सोने ही वाले थे, उनकी किताब उनकी गोद में रखी हुई थी, तभी उन पर एक शरारती परछाई पड़ी। बंदर, जो हमेशा की तरह उत्सुक रहता था, उस बुजुर्ग को कागजों के ढेर पर टिकी उन अजीब सी चीजों से देखते हुए देख रहा था। एक माहिर जासूस की तरह वह ऊपर की डाल से कूद गया और चुपचाप सोते हुए बुजुर्ग के पीछे उतर गया। बंदर की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से उस बुजुर्ग की नाक से चश्मा उठा लिया। बुजुर्ग आवाज से चौंक कर उठे, उनका हाथ अपने आप ही अपने चश्मे की तरफ बढ़ा, लेकिन चश्मा तो गायब था। वह घबराहट में इधर उधर देखने लगे। गांव के मुखिया के चश्मे के गायब होने से हंगामा मच गया। मुखिया जी अपने चश्मे के बिना बिल्कुल लाचार हो गए थे, चीजों से टकरा रहे थे और जान पहचान के चेहरों को भी पहचान नहीं पा रहे थे। इस बीच बंदर अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे समय का आनंद ले रहा था। वह चश्मा उल्टा पहने एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ था और गांव वालों की हरकतों की नकल कर रहा था। उसकी हर अजीबोगरीब हरकत पर पेड़ के नीचे जमा हुए बच्चे ठहाके लगा रहे थे, उनके चेहरे खिलखिला रहे थे। यहां तक कि बुजुर्ग भी, जब शोर सुना तो वह खुद को उस बंदर को देखकर हंसने से नहीं रोक पाए जो उनका चश्मा उल्टा पहने हुए था। गांव का बाजार रंगों, ध्वनियों और सुगंधों का एक जीवंत दृश्य था। एक दिन जब बाजार में रौनक थी और गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी बंदर ने वहां धमाकेदार एंट्री मारी। वह कपड़े की एक दुकान के रंग बिरंगे शामियाने से झूलता हुआ सब्जियों के दाम पर बहस कर रही महिलाओं के ठीक बीचों बीच आ गिरा। महिलाएं उसके अचानक आने से चौंक गईं और चीख पड़ी। बंदर अपने द्वारा मचाई गई इस अफरा तफरी से बेफिक्र पास के ही एक ठेले से मुट्ठी भर लाल मिर्च उठाकर बड़े चाव से खाने लगा। गांव वाले, जो शुरुआत में उसके अजीब व्यवहार से परेशान हुए थे, खुद को हंसने से रोक नहीं पाए जब बंदर, जिसके मुंह में आग लग गई थी, ठंडा होने के लिए पास के ही कुएं में कूद गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गांव के इस नटखट बंदर की शोहरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। गांव वाले, जो कभी उसके शरारती स्वभाव से सावधान रहते थे, अब उसके अनोखे मनोरंजन के तरीके को पसंद करने लगे थे। उन्होंने उसकी हरकतों का अंदाजा लगाना सीख लिया था, अपना सामान संभाल कर रखते थे और अपने खाने पीने की चीजों पर कड़ी नजर रखते थे।
लेकिन सबसे चौकस गांव वाला भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह शरारती बंदर आगे क्या करने वाला है। एक दिन उसने संगीतकार बनने का फैसला किया। उसने अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा की, नारियल के खोल, खोखले लौकी और एक फेंकी हुई बांसुरी, और ऐसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी जो सबसे अनुभवी ऑर्केस्ट्रा को भी टक्कर दे सकती थी। गांव वाले उस अजीब संगीत से आकर्षित होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर मनोरंजन और हैरानी का मिश्रण था। उस शरारती रूप के नीचे बंदर के पास एक ऐसा दिल था जो आश्चर्यजनक कोमलता से भरा था। बच्चों का एक समूह नदी के किनारे खेल रहा था। उनकी हंसी हल्की हवा में तैर रही थी। उनमें से एक छोटी वाली और दांतों के बीच जगह वाली एक छोटी बच्ची जंगली फूलों के बीच फड़फड़ाती तितली को देखकर अपनी ही दुनिया में मग्न हो गई। उसे नदी के किनारे की फिसलन भरी मिट्टी का तब तक पता नहीं चला जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। एक चीख के साथ वह फिसल गई और कीचड़ भरे पानी में गिर गई। बाकी बच्चे उसकी मदद की गुहार सुनने के लिए बहुत दूर थे। वे उसके साथ हुई इस घटना से बेखबर अपना खेल खेलते रहे। बंदर, जो पास के एक पेड़ से देख रहा था, उसने पूरी घटना देख ली। वह पेड़ से नीचे उतरा और नदी के किनारे भागा। बंदर की दयालुता के इस अप्रत्याशित कार्य ने गांव वालों के दिलों को छू लिया और उनके दिलों में जगह बना ली। वह अब सिर्फ एक शरारती मेहमान नहीं था, बल्कि उनके समुदाय का हिस्सा था। एक प्यारा, अप्रत्याशित और पूरी तरह से अविस्मरणीय हिस्सा। लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह गांव में उसका समय भी समाप्त हो गया। एक सुबह जैसे ही सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा, गांव वाले एक असामान्य सन्नाटे से जागे। उन्होंने उसे ऊपर नीचे दूर दूर तक खोजा। उनके दिल एक अनहोनी के डर से भरे हुए थे। बच्चे, जो अपने इस प्यारे दोस्त से काफी अटैच्ड हो गए थे, विशेष रूप से परेशान थे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका शरारती दोस्त बिना अलविदा कहे चला गया। उन्होंने पूरे गांव में उसका नाम पुकारते हुए खोजा, लेकिन बंदर कहीं नहीं मिला। बंदर के जाने से गांव वाले दुखी तो थे, पर उन्हें समझ आ गया था